सो है गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और आज बहुत ही ज़्यादा थकान लगी हुई है। पैर ऐसे दर्द कर रहे हैं, मतलब क्या बोले, कल की पूरी ट्रैकिंग की थकान आज निकल रही है। मतलब उठा भी आज 8:30 बजे, तब आके दुकान खोली, तब बैठा रहा थोड़ी देर। तब मैं अभी बाल कटा के आया 11:30 11 बजे। तो अभी देखिए, बाल थोड़े बहुत ठीक हो गए हैं। ठीक है, जैसे भी काटे हैं चलता है। और गर्मी से तो बच रहे हैं ना, बस बाल कटवा के यही फ़ायदा है, थोड़ा गर्मी कम लगती है सर में। तो अभी करते हैं लंच, थोड़ी देर में बन रहा है अभी। तो फिर उसके बाद देखते हैं कहीं जाने का। अभी मैंने हिमांशु को कॉल करा था, उसके शायद मैंने प्लान बनाया है आसाम बैराज जाने का, डाकघर। तो देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो लग नहीं रहा है कि हमें जाने देगा। बादल लगे हुए हैं पूरे, कल इतनी खतरनाक धूप थी ट्रैकिंग में। धूप तो नहीं थी, मतलब मौसम ठीक था, धूप भी थी, और आज बिल्कुल बादल लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आई होप बारिश ना हो, अगर बारिश होगी तो कैंसिल, बारिश नहीं हुई तो जाएंगे। तो करते हैं लंच, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। ढंग से तोड़ो आम गाइस, हमारे पेड़ में आम लगे थे वो तोड़ रहे हैं हम। और इधर रॉबिन की मम्मी चीकू तोड़ रहे हैं। कहाँ पर आंटी जी चीकू पके हुए? इसके ऊपर काई जमी हुई है, आराम से जाना। कितने कितने से हैं? ये तो खाए हुए लग रहे हैं, ये आधे एक खाया हुआ है इसमें से। फेंक दो नीचे, फेंक दो। आज तोड़ रहे हैं हम अपने बगीचे के फल। खा ले एली, एली एली कहाँ हरा बार कहाँ जाएगा है? चलो अंदर, चलो चल अंदर, चल अंदर अंदर, चल 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 अंदर। यहाँ पर खड़ा हो जल्दी। हाँ आ रहा आंटी जी। ज़्यादा ज़्यादा पुराने हो गए पक्के। कितने कितने पेड़ हैं आपके? तीन चार पेड़ आम के, आम का पेड़। मैं चीकू खा रहा हूँ अपने आम के पेड़ के, और बहुत ज़्यादा मीठा है, मतलब मज़ा आया घर के चीकू खाने में। मीठे हो रहे बहुत, इतना तो बाजार के भी नहीं रहते मीठे। आराम से उतरना, मैं आपको खेत में ले जाता हूँ। तो भाई कहाँ घूम रहा है? खेत में पानी लगा रखा है। देखिए गाइस, यहाँ पर नहर में पानी आ रहा था, तो लोगों ने पानी का यूज़ करा है खेत में। क्या अरे चाचा चढ़ जाएंगे पेड़ में यार। देखिए दराती लानी पड़ेगी अब इनके लिए, पहले दराती लेके आते हैं। वो हथियार आम तोड़ने के लिए, आम क्या मतलब कोई भी फल तोड़ना हो, ये है वो हथियार। पानी लगा रखा ना, फंस गया। देखिए यहाँ ये पाइप लगा रखे हैं, इसके ऊपर से हमारे खेत में ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, और ये इनके खेत में लगा हुआ पानी। नीचे धान, धान में लगा हुआ पानी, नीचे धान लगा रखे है उसमें। यहाँ पर ये मक्की, और ये चाचा पेड़ में चढ़ रहे हैं। सीढ़ी क्यों मंगाई आपने जब आपने पैसे चढ़ जाना था तो? हैं बंदर, बंदर चढ़ रखे हमारे पेड़ में, देखो लाल बंदर। हिलाना जरा, आइए ये देखो। भाई कहाँ घूम रहा? उधर कहाँ नहर में जाएगा गिरने? हैं बोल ले कुछ। अबे बारिश होने लग गई है, बहुत माइनर बूंदे पड़ रही हैं। मैं भी आ गया हूँ खेत में, यहाँ तो पानी हो रखा, कैसे गए?
खेत में ठीक रहे बंदर, ये देखिए लाल बंदर, लाल टी शर्ट में होगी अपने पेड़ का कौन है खा लो आंटी जी क्या हुआ। सो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 2:30 और अभी करते हैं लंच, फिर देखते हैं मौसम कैसा है, उसके बाद आगे बैराज जाने की सोचेंगे। अगर मौसम सही रहा तो जाएंगे, नहीं रहा तो घर पे ही रहेंगे और क्या, किसी और दिन। सो भी बज रहे हैं 4:15 और मैं अली को घुमाने के लिए ले आया हूँ। एक्चुअली मैं गया नहीं घूमने के लिए क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो वहाँ बारिश हो रही है तो मैंने पता करा। सो अभी तो मैं अली को घुमाने के लिए आया हूँ, ये देखिए, तो चलते हैं। ये देखिए अली, बस सामने देखिए जहाँ हम गए थे वो सामने पहाड़ दिखते हैं, आज तो वहाँ पूरा बादल बादल हो रखे हैं, दिख भी नहीं रहे हैं सामने पहाड़। और अभी मैं लेके आया हूँ अली को और रोड बिल्कुल एकदम सुनसान हो रखी है, इधर ये पूरा जंगल देखिए सुनसान। और मैं अभी तक आज गया नहीं, तो मैं अभी तक पता क्या कर रहा था, अपनी वीडियो एडिट कर रहा था जो कल भद्राज वाली थी, उसको एडिट कर रहा था मैं, क्योंकि मैं दिन में सोता नहीं हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। मेरे को दिन में नींद नहीं आती तो मैं वीडियो एडिट कर रहा था पूरा, खाना खाने के बाद से थोड़ी बहुत तो हो गई, थोड़ी क्या 1:30 हुई है अभी, तो बाकी करेंगे धीरे धीरे। सुबह शाम के बज रहे हैं 5 और मैं खोल रहा हूँ दुकान अपनी। खोल दिया दुकान और रोड में शांति है आज, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही शांति है, जैसे ही बोला मैंने शांति है उसके बाद गाड़ी ही गाड़ी आने लगी, पता नहीं संडे के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम गाड़ियाँ चल रही हैं आज, पता नहीं क्यों। सो गाइस मैं आ चुका हूँ सामान लेके दुकान के लिए, अभी मैं हूँ छत पे और अभी अभी दुकान में ऐसा हुआ कि बिल हो रखा था 1280 रुपये का और हमारे पास थे सिर्फ 780 रुपये, तो बचे हैं अभी 500 रुपये। तो मैंने पापा को बोला कि फ़ोनपे में ट्रांसफ़र कर दो, मैं यहाँ से सेंड कर दूँगा, और बाद में याद आया कि फ़ोनपे तो चल ही नहीं रहा है मेरा, फिर मैंने कॉल करा रोकने के लिए बट तब तक कर दिए थे, तो बाकी मैंने फिर उसको ऑन करने के लिए बाकी के रिचार्ज करवाए 80 रुपये का, बट रिचार्ज हुए नहीं, तो फिर रिचार्ज तो हो गए पर वो चला नहीं, अगर अभी हम बाद में देने हमने वो पैसे तो बाद में दे के आएंगे 500 रुपये। और अभी मैंने दुकान में सामान लगा दिया है, अभी हम चाउमीन भी ला रखे हैं तो चाउमीन घर में कोई नहीं बना रहा है, फालतू लाए हम, तो अब हम दुकान वाले के पास जा रहे हैं पूछने के लिए कि वो कितने रुपए लेगा बनाने के, तो चलते हैं पता करते हैं कि दुकान वाले कितना लेंगे पैसा। जा रहे हैं चाचा, चलो पूछने हाँ चाउमीन कितने रुपए लेंगे बनाने के लिए। क्या है ये साइकिल देखो 1980 की। समय लाते हैं और अभी आज हम जा रहे हैं पैदल चच्चू के साथ, हैं चच्चू के साथ चाचा के साथ। थोड़ा सा नीचे ये दुकान इसलिए पैदल जा रहे हैं, वरना है नहीं इतनी हिम्मत अभी, कल के बाद जब से भद्राज होके आए हैं पैरों में जान नहीं रही है, जान मतलब पैर दर्द हो रहे हैं चलने पे भी, थोड़ा सा था इसलिए पैदल आ गए। खुद ही बनाना पड़ेगा घर का, अब उबालना पड़ेगा, चाचा बनाएंगे खुद, आज हलवाई बनना पड़ेगा, आज हलवाई बनेंगे चाचा खुद, लस्सी कैसे बनती है आज चाउमीन। तुझे किसने बुलाया? हमें भी बुला रखा, हम भी वहीं जा रहे हैं अभी। चलो बढ़िया, मैं केले लेके आ जाऊँ। केले? अच्छा मम्मी का पास ना, कल सब्जी लेते हैं। अभी चाहिए चाटी वाले,
अबे यार अभी क्या बात है, केले नहीं निकाल पा रहा है, सबसे छोटी वाली होगा। और क्या था जंगली थोड़ी है, जंगली हमने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ले लिया। पत्ता गोभी हमने आधी लिया, आधी जो जिसकी दुकान थी वो चाउमीन बनाएगा इसलिए उसने रख रखी है, वरना वो बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे लिए। किस्मत अच्छी है, चाचा के पैसे बच गए, चाचा के 300 ग्राम के पैसे बच गए चाचा के। जाते हैं अब चाचा बनाएंगे चाउमीन, अभी आम तोड़ रहे हैं देखो, ये इनके बस का नहीं है भाई। 10 लीटर के भगोने में 5 लीटर पानी भरना है, फिर चाउमीन उबालनी है, ठीक है? सीख लो आज चाउमीन बनाना। ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं हमें लोग, बनाने आती नहीं और हमें ज्ञान देंगे। वो गर्म है, वो तो ये कौन सा रख दिया हमने गैस पे पानी और ये जला। जब तक पानी उबल रहा है तब तक मैं मोमो खा के आता हूँ। ऊपर से हो चुका है गरम और हम डाल रहे हैं चाउमीन, देखें। चलो मैं पहले चाउमीन डाल देता हूँ फिर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए गैस चाउमीन डाल दिया हमने, अब चिमटे से हिलाने के लिए बोल रहे हैं चाचा, पता नहीं क्या करवाएंगे आज। चलो जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। कहाँ है चिमटा, चिमटे से या उससे? चिमटे से। दिस इज चिमटा। नो ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करना है। चलो बनाते हैं, ढक्कन ढक्कन रखते हैं और उबलने देते हैं इसे। और यहाँ पर हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और ये मोमो खा रहे हैं। चाउमीन बन चुकी है। मैं कैरम बोर्ड खेलने चला गया था, मैंने कुछ नहीं दिखाया बाकी। अब चाउमीन खाएंगे सीधा। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30 और ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने पूरा चाउमीन वगैरह बनवाई और आपको दिखाया नहीं। एक्चुअली मैं भूल गया था खाते टाइम कि आपको भी दिखाना है कि चाउमीन कैसी बनी है। आई एम रियली सॉरी। चाउमीन जो है वो ठीक बनी थी, पर चाचा ने जो है चाउमीन में हल्दी डाल दी थी। एक्चुअली हल्दी डलती नहीं है चाउमीन में, और उन्होंने पता नहीं डाल दी क्योंकि उन्हें भी बनानी नहीं आती। फिर मेरी बहन गई, उसने सब सही करके बनाया, थोड़ा मतलब टेस्ट को वापस लाया चाउमीन के, तब जाके थोड़ी चाउमीन ठीक हुई। वैसे बनी मस्त थी। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।